के साथ बदलते भारत की शान। गांव किसान के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान, और LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, आपके लिए खेती किसानी और भी ज़्यादा आसान हो सके और सफल हो सके, इसके लिए कृषि वैज्ञानिक नए नए तरीके के शोध करते रहते हैं और ऐसी किस्में आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि कम संसाधनों में भी आप फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही कृषि विशेषज्ञ जिनका नाम है डॉक्टर राम। इन्होंने धान, गेहूँ और जौ की कुछ ऐसी किस्मों को ईजाद किया है जिससे कि आप कम संसाधनों में इनका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकें। तो आइए इन्हीं के ऊपर आधारित दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। आज हमारे सामने कृषि की जो तस्वीर है, इसमें जितनी मेहनत किसानों ने की है उतनी ही कृषि विशेषज्ञों ने भी की। नई नई किस्में कम संसाधनों में भी बेहतर मुनाफा दिलाने वाली तकनीकों से उत्पादन में इजाफा हो रहा है, साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी किसान को नुकसान ना उठाना पड़े इसके लिए भी लगातार शोध कार्य किए जा रहे हैं। इन सारी सुविधाओं के पीछे कृषि विशेषज्ञ की भूमिका होती है। ऐसे ही एक कृषि विशेषज्ञ है डॉक्टर राम, जिन्होंने बिना छिलके की जौ की किस्म इजाद की। डॉक्टर राम बताते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कृषि को विस्तार देने के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। उन्होंने गेहूं, धान और जौ की किस्मों पर काम किया। 2005 से प्रयागराज के कृषि विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय ग्राहिता के अनुसार होने वाली गेहूं की किस्मों पर काम कर रहे हैं। उनके काम का मुख्य उद्देश्य कम पानी और कम खाद वाली किस्में बनाना, जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े तापमान को सहने की क्षमता वाली किस्में तैयार करना, एक या दो सिंचाई में तैयार होने वाली फसलों पर काम करना, छोटे व सीमांत किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाना। रिटायरमेंट होने के बाद मैं यहाँ हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर आरबी लाल मुझे यहाँ लाए 2005 में, और 2005 से मैं यहाँ गेहूं की जो वैरायटी क्षेत्रीय ग्राहिता के अनुसार बना रहा हूं, खास करके यहां की जलवायु के लिए जो हो, जो जिसमें सबसे बड़ा है जो क्लाइमेट में, जो जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है, जिसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के जो जिसे हम अंग्रेजी में रेजिस्टेंस कहते हैं, माने रोधिता, उच्च ताप रोधिता के ऊपर हमारा मुख्य काम है। दूसरा, कम पानी, कम खाद के ऊपर, क्योंकि 90% जो किसान यहाँ हैं वो छोटे और सीमांत स्तर के हैं, तो उनके लिए हम किस्में बना रहे हैं। तीसरा जो है, जो बिना सिंचाई के या एक दो सिंचाई जिनके है उसके लिए हम किस्में बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ केवल बिना सिंचाई या एक सिंचाई, दो सिंचाई, तीन सिंचाई के अतिरिक्त ऐसी गेहूँ की किस्में बनाई जा रही हैं जिनमें गुणवत्ता हो, जिनमें कि चपाती मेकिंग अच्छी हो,
जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो, जिसमें जिंक की मात्रा हो, जिसमें लोहा की मात्रा हो, जिसमें बिना चीनी की माने शुगरलेस वैरायटी हमारी बनी है। वो बताते हैं कि उन्होंने अब तक 10 किस्में तैयार की है, जिसमें से 4 किस्में केंद्र द्वारा नोटिफाइड हो चुकी है। इन किस्मों में क्या क्या खूबियां हैं, बता रहे हैं डॉक्टर राम। अब तक हमने कुल 10 वैरायटी बनाया है, जिसमें 4 वैरायटी जो हमारी केंद्र द्वारा जो है नोटिफाई हो चुकी हैं, जो उत्तर प्रदेश में किसानों के खेतों में लगाई जा रही है, सीड प्रोडक्शन हो रहा है। पहली वैरायटी हमारी 6 है, सुवार 6 है, जो कि 1 सिंचाई 2 सिंचाई 3 सिंचाई से ज़्यादा नहीं, जिसको 80 से 100 किलो नाइट्रोजन चाहिए और उसकी उपज जो है 40 से 50 कुंटल के करीब है। दूसरा, उसमें बीमारी भी नहीं लगती है, टेम्परेचर जो है अगर 42 से 44 सेंटीग्रेड हो जाए तो भी उसमें सहन करने की शक्ति है और वो समय पर भी उसको लगा सकते हैं, पिछैती बुवाई कर सकते हैं माने दिसंबर 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक, और बिना अगर सिंचाई ना हो का साधन ना हो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। इस वैरायटी में दुनिया में पहली बार ये वैरायटी है जिसमें 14 से 3% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब तक जितनी गेहूं की वैरायटी दुनिया में पैदा है उसमें 10-12 प्रोटीन मिलता है। जो विंटर व्हीट जो वहाँ यूरोप में या अमेरिका में लगाया जाता है उसमें 13% है, इसलिए इंटरनेशनल गेहूं की मार्केट में जो है 13% प्रोटीन की मात्रा स्टैंडर्ड रखी गई है, अदरवाइज नहीं कोई दूसरा देश खरीदता है। तो हमारी जो है 14.31% की करीब वैरायटी है, जो दुनिया में पहली वैरायटी है इतनी। दूसरा, इसमें लोहा की मात्रा भी बहुत है, 3.56 है, और जिंक जो है 3.44 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है। वैरायटी है, यह वैरायटी ऐसी है जिसमें शुगरलेस है माने इसमें चीनी की मात्रा नहीं है, इसमें फाइबर की मात्रा 2.89% है। तो ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ ये हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी मैसूर से जो है, ये वहाँ का डेटा, हमारा यहाँ का डेटा नहीं है। इस तरह देखा जाए तो विशेषज्ञ उस राह को तैयार करते हैं जिसमें चलकर हमारे देश के किसान भरपूर उपज लेने में सक्षम हो पाते हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस लेकर अगला सेगमेंट हमारा पशुधन। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आई कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, पशु ही हमारा असली धन है, इसलिए उनकी पूरी पूरी देखभाल करना और साथ ही कैसे आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हासिल कर सकते हैं ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आइए आज आपको हम जानकारी देते हैं भैंस पालन के बारे में, किस तरह से आप आसानी से भैंस पालन कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आ सकते हैं, दिखाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। Thank you.
भारत में कृषि के साथ पशुपालन को एक सहायक व्यवसाय के रूप में किया जाता है, जिसमें गाय, भैंस और बकरी पालन विशेष है। पशुपालन में दूध उत्पादन किसानों के लिए सबसे ज्यादा आसान और फायदेमंद साबित हो रहा है। ये इतना सस्ता और सुलभ है कि इससे कई तरह की जरूरतें पूरी की जा सकती है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ तीन तरह की नस्लें ज्यादा लोकप्रिय है, मुरहा, मेहसाना और सुरती प्रमुख है। भैंसे गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है, इसीलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। भारत के दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। दूध की मात्रा और गुणवत्ता के कारण ही भैंस पालन काफी लोकप्रिय है। भैंस पालन से भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए आहार पर खास ध्यान देना होता है। इसके लिए पशुपालक संतुलित आहार और हरा चारा दोनों देते हैं। संतुलित आहार बनाने के लिए 35% दाना, मक्का, जौ, गेहूं और बाजरा, 32 किलो खली, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल और अलसी की खल, 35 किलो चोकर, गेहूं का चोकर, चना की चूरी, दालों की चूरी और राइस ब्रेन और 1 किलो नमक। इस मात्रा से करीब 100 किलो संतुलित आहार बनाया जा सकता है। आहार के साथ साथ पशु आवास और स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखना होता है। भैंसे वातावरणीय गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील होती है, इसलिए तापमान में बढ़त होने के पहले ही कुछ खास इंतजाम कर लेने चाहिए। आवास ऐसा हो जहां पशु खाने, आराम करने, घूमने और सांस लेने के लिए किसी भी तरह की असुविधा ना महसूस करे। तापमान ज्यादा होने पर आवास में पर्दे आदि की व्यवस्था रखनी चाहिए। समय समय पर पशु को पीने का पानी देते रहना चाहिए, जिससे शरीर का ताप नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भैंस को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंहपका, गला घोटू का टीका समय से लगवाना चाहिए। पशुपालन में बेहतर सफलता पाने के लिए जानकारियों का होना बेहद जरूरी है। यदि कोई पशुपालक इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें अपने क्षेत्र के पशुपालन विभाग से संपर्क करना चाहिए। विभाग से मिली जानकारी के आधार पर व्यवसाय में होने वाले जोखिमों को कम किया जा सकता है, साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। अभी आपने भैंस पालन से संबंधित हासिल की कुछ विशेष जानकारियां। अब आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका यानी FMD, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप दूसरे क्षेत्रों में भी अपना हाथ आजमाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता भी हासिल कर सकते हैं और अपनी आय को दोगुना भी कर सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि कर रहे हैं दूध का व्यवसाय, किस तरह से इससे आर्थिक मुनाफा कमा रहे हैं और कैसे दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं, जानते हैं उनकी कामयाबी की इस दास्तां में। देश का युवा देश हित में किसी न किसी रूप से अपनी भागीदारी देने में तत्पर है, इसलिए ज्यादातर युवा वर्ग उच्च शिक्षा लेने के बाद और नामी कंपनियों में नौकरी होने के बावजूद भी कृषि और उससे जुड़े उत्पादों का रुख कर रहे हैं। ऐसे ही एक युवा है हरियाणा हिसार के रहने वाले प्रदीप बागड़ी, जो लोगों में स्वास्थ्य वर्धक उत्पाद देने में सहायता कर रहे हैं। MBA की डिग्री लेने के बाद हर युवा चाहता है कि उसे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए और जीवन खुशहाली से बीते। हिसार के प्रदीप ने भी ऐसा ही किया। कॉर्पोरेट जगत में 9 साल तक अपनी सेवाएं देते हुए इसके बाद भी उनके मन में वो सुकून नहीं था जो वो चाहते थे। सुकून की ये तलाश खत्म करने के लिए प्रदीप कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें किसानों का भी भला हो जाए और स्वयं का व्यवसाय भी शुरू किया जा सके। बहुत विचार मंथन करने के बाद प्रदीप ने 2018 में बागड़ी मिल्क पार्लर की शुरुआत की, जिसमें वो किसानों से दूध लेकर उसे प्रोसेस करते थे। अपने उत्पाद को पहचान देने के लिए प्रदीप शुरुआत में पार्कों में जाकर सुबह शाम गर्म दूध का स्टॉल लगाते थे। उत्पाद की लोकप्रियता देखकर इसकी गुणवत्ता और स्वाद में और सुधार किए गए। इसके बाद दूध के साथ साथ खीर, बादाम मिल्क, लस्सी जैसे उत्पाद भी बनाने लगे। आज प्रदीप कई तरह के उत्पाद बनाते हैं जिसमें केसर पिस्ता बादाम मिल्क, हरियाणवी रबड़ी, केसर काजू बादाम खीर, मावा बर्फी और मसाला लस्सी, मीठी लस्सी, कुल्फी, गाय का घी तथा भैंस का घी शामिल है। और आज उनका ये व्यवसाय लाखों तक पहुंच चुका है जिसमें उन्होंने करीब 9 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। मैंने MBA करने के बाद हैवेल्स बर्जर एक्जोनोबेल इन कॉर्पोरेट कंपनियों में 9 साल काम किया। इस दौरान मैंने देखा कि गाँव का जो युवा है जो कम पढ़ा लिखा भी है और प्रशिक्षित भी नहीं है, उसके लिए रोजगार की बड़ी समस्या है और किसान को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य नहीं मिल पाता। जो एग्रीकल्चर में GDP में कंट्रीब्यूशन है दूध का, वो गेहूं और धान से ज़्यादा है, जबकि हम दूध की उतनी परवाह नहीं करते थे। इसलिए मैंने सबसे पहले दूध के सेक्टर को चुना कि किस तरह से किसान के स्मॉल एग्रीप्रेन्योर वेंचर के द्वारा किसान के उत्पादों में वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग किया जा सकता है, उसको बेहतर मूल्य पर बेचा जा सकता है। इसके बाद मैंने NDRI करनाल से ट्रेनिंग ली और दूध के एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को पढ़ा, तो उससे निकल के आया कि लोकल प्रोडक्शन और लोकल कंजम्पशन की थ्योरी ही बेस्ट है। तो उसमें हमने दूध को प्रोसेस किया, रोहतक के आसपास के जो डेयरी के किसान हैं उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट डेयरी फार्मिंग करके दूध लेते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं प्योर फ्रेश एंड हेल्दी के कंसेप्ट के साथ। इस कंसेप्ट में मैंने 9 लोगों को रोज़गार दे रखा है प्रत्यक्ष रूप से, और मिट्टी के कुल्हड़ में सप्लाई करते हैं, इससे कुम्हारों को भी रोज़गार मिलता है। जो किसान जुड़े हुए हैं हमारे से 10-12 किसान, उनको भी हम मार्केट से 28-30% ज़्यादा मूल्य के ऊपर दूध खरीद रहे हैं, तो उनके भी सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह से उनको अपने लाइफ स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने में हेल्प मिल रही है। तो बाकी युवाओं के लिए मेरा यही एक आग्रह है कि वो अपने उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन और प्रोसेस करके बेचें, इससे उनके उत्पादों को भी बेहतर मार्केट मिलेगी और किसान को भी अपने उत्पाद पैदा कर रहा है उसको बेचने में आसानी होगी, उसको भी बेहतर मूल्य मिलेगा। प्रदीप के इस काम के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है। वो किसानों से सामान्य से ज्यादा दाम पर दूध खरीदते हैं और प्रोसेस करके दूध से बने उत्पाद बनाते हैं। वो बताते हैं कि हम 3 महीनों के अंतराल पर पशुपालकों को प्रशिक्षण भी दिलवाते हैं जिसमें उन्हें ये सिखाया जाता है कि अच्छी गुणवत्ता का दूध कैसे लिया जा सके, साथ ही पशु के रखरखाव और नस्ल सुधार से संबंधित जानकारी भी दी जाती है जिससे किसान और उत्पाद दोनों का भला हो सके।
प्रदीप अपने उत्पादों के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि इससे कुम्हारों को भी रोजगार मिल सकेगा और उनकी आय में इजाफा होगा। वाकई में प्रदीप जैसी सोच रखने वाले लोग देश की तकदीर बदलने का हुनर रखते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। उम्मीद करेंगे कि आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।